हेलो एवरीवन, माय नेम इज विनय चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसे कि मैं आपको पता ही है, मैं रहता हूँ जर्मनी में। जर्मनी में एक सिटी है डिसलडॉर्फ, नॉर्थ राइन वेस्टफालिया स्टेट के अंदर। तो हम यहाँ पे रहते हैं, तो हम डेली व्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं। तो ये इंडियंस यहाँ पे कैसे रहते हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ वीडियो बनाते रहते हैं। तो बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी उसके बारे में भी वीडियोस आने वाली हैं, डिटेल वीडियोस आएंगी और आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। बट मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी भी थोड़ा जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वीडियो की थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है। बेड रेस्ट नहीं है प्रॉपर मेरा, बट मैं कहीं जा नहीं सकता, थोड़ा रेस्ट है मेरे को, रिस्ट्रिक्शन है काम करने के लिए, इसीलिए मुझे वीडियो एडिट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मुझे टाइम लग रहा है वीडियोस डालने में। बट आज जैसे कि है छोटी होली, तो छोटी होली पे इंडिया में पूजा होती है, आग जलाई जाती है और नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाता है। तो वो तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट किस तरीके से हम छोटी होली सेलिब्रेट करते हैं और बड़ी होली सेलिब्रेट करते हैं वो आज के व्लॉग में हम दिखाएंगे। और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कैसे यहाँ पे वीडियो अपनी होली सेलिब्रेट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले देसी एनआरए की तरफ से आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यार हुआ जा रहा है, युवान स्कूल से आ गया है ना, स्कूल गया था ना युवान अभी? स्कूल गया था। क्या 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 स्कूल में? मुझे युवान गया था। तो यहाँ पे भाई स्कूल में छुट्टी तो होती नहीं है यार, थोड़ा मैस हुआ क्योंकि सारे कपड़े भी आके इसने उतारे हैं, गीले गले थे, हाथ वाथ धोए। तो स्कूल जब जाते हैं तो बच्चों का यहाँ पे तो वो छुट्टी तो होती नहीं है, तो किंडरगार्टन में जाना होता है। कल लकीली इसकी छुट्टी है, नॉट बिकॉज ऑफ द हॉलीडे, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्ट्राइक है, तो यहाँ पे छुट्टी है स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है युवान। अभी दोनों तैयार हो जाते हैं और फिर हम लड्डू गोपाल को अभी सजाएंगे। पहले आज लड्डू गोपाल के साथ हम होली खेलेंगे। रेनू तैयार हो रही है बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रेस में, अभी दिखाएंगे, अभी चल रहे हैं, रुको वन मिनट, मम्मा को रेडी होने दो। कितना प्यारा है श्रृंगार, कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है, ओ हो कितना प्यारा है। क्या करेंगे युवान आज? पूजा। किसकी पूजा करेंगे? होली पूजा। किसके साथ करेंगे? ब्रह्मा जी के साथ। कौन से भगवान जी हैं वो? लड्डू गोपाल जी। लड्डू गोपाल जी का, इनको नीचे रखो, ऐसे उठाते नहीं है ये। हाँ, ये कौन से भगवान जी हैं? हनुमान जी। हनुमान जी। ये हाँ, ये कौन से भगवान जी हैं? ये तो वो है। हाँ, कौन से हैं? गणेश जी। गणेश जी। ये कौन है इधर? ये वाली भगवान जी कौन है? ये है शेर वाली माँ। ये कौन है? शिव जी। पार्वती। और गणेश जी जो है इनके बेटे हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और कान्हा जी को पहले हम क्या करेंगे, उनके कपड़े चेंज करेंगे लड्डू गोपाल के, फिर हाँ, और उसके बाद हाँ उसके बाद होली खेलेंगे। ये फाइनली हम अब सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पे नया कपड़ा भी छा रहे हैं। एक्चुअल में वहां पे थोड़ा वो साइड में मंदिर हमने बनाया हुआ है, तो वीडियो भी बनाएंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। और फिर अच्छे से कान्हा जी को यहीं तैयार करके यहीं पे होली खिलाएंगे हम। और तो टेबल पे हम कर रहे हैं इसको, थोड़ा उधर कर लो, और बाद में फिर कान्हा जी का जो स्थापित करेंगे हम वहीं पे कर देंगे, है ना। सामान निकाल लिया है तो पहले एक बार डेकोरेट कर लेते हैं, फिर मतलब सेटअप कर लेते हैं, और उसके बाद डेकोरेशन जो करेंगे, जो कान्हा जी को पूरा तैयार करते हैं वो आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे करते हैं लड्डू गोपाल को, और फिर कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे होली। होली तो हम प्रॉपर आज नहीं खेलने वाले, बट कल हम होली खेलेंगे। बट आज जो है कान्हा जी को होली खिलानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं का ये त्योहार है ना, तो उनके साथ हम पहली होली खेलेंगे।
तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो फाइनली हमने रेनु कान्हा जी का बाथ टब हमने रेडी कर दिया, सुंदर सा गंगा जल मिक्स कर लिया इसमें। हाँ, नहीं नहीं मैं मिक्स कर लूंगी अभी। ओके, और फिर कान्हा जी को नहलाएंगे। चलो कान्हा जी को लेके आते हैं। युव कान्हा जी को लेने चल रहे हैं, चलो लड्डू गोपाल को। से वो अभी बहुत आप लेके आओ हिंट पे। हाँ ऐसे लेके आओ, गुड, आराम से लेके आओ, टेबल पे रख दो। यहाँ बैठा, अभी नीचे बैठा दो। वेरी गुड। एक्चुअल में हमें थोड़ा नीचे बैठना चाहिए था, बट नीचे थोड़ा हो नहीं पाता और वहां पे जगह कम हो जाती है, तो हमने यहाँ पे अकेले में जगह बना ली है। और युवान को भी कान्हा जी के साथ, लड्डू जी के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो युवान बहुत इनसे बातें करता है, उनके साथ खेलता है। इसने पहले ही बोल दिया था कि मैं स्कूल से आऊंगा, उसके बाद ही ये करना, इनको जो भी इनके बात कराना है, पूरे ड्रेस करना है, उससे पहले नहीं। आराम से रखो, छोटे से। ये क्या है? ये बिंदी है। ओके, ये बिंदी है, दिखाना बिंदी। ये देखो, ये छोटी सी कान्हा जी की बिंदी है। अभी इनको पूरा सजाएंगे हम। ये चलो युवान बात कराते हैं, ये पकड़ो ऐसे। लड्डू गोपाल जी, अच्छे से हम आपको बात करा रहे हैं। अच्छे से हम आपको बात करा रहे हैं। बहुत ठंडी ठंडी है, तो हमने थोड़ा सा गरम गरम पानी लाए हैं आपके लिए। ओके। यू करिए खुद। जैसे आपको नहलाते हैं, ऐसे वो छोटे से बच्चे हैं, अब हम इनको तैयार करते हैं। तैयार। तो ये हम इनकी आज के लिए ड्रेस लेके आए हैं। ड्रेस लेके आए हैं। ये आज के। वाओ, कितनी अच्छी ड्रेस है कान्हा जी की। कान्हा जी बोल रहे हैं ऐसे। ये इनकी प्यारी सी, युवान छोटे, ये इनकी प्यारी सी पगड़ी है, तो आज के लिए युवान ने डिसाइड करा है कि ये वाली पगड़ी पहनाएंगे। युवान ने इनकी ये वाली ड्रेस पूरी पसंद करी है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे रख बेटा, मुरली उठा ले। ये इनकी माला और ये बाजूबन, सुंदर से ये तो थुंदा थे। और इनकी ये प्यारी सी मुरली, ये क्यूट सी मुरली इनकी। कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है, ओहो कितना प्यारा है श्रृंगार। उत्ता क्यों कर दिया? तो मुझे ये भगवान जी को कह रहा है कि उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि आजकल कौन सा सीरियल है रेनू, हाँ उसमें बोलते हैं ना कि मुझे उल्टा क्यों कर रहे हैं, तो वो वाली चीज कर रहा कि ना उल्टा क्यों कर दिया। हाँ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, वो कितना प्यारा है श्रृंगार कि तेरी ले नजर उतार, कितना प्यारा है। तो ये गम आता है, इससे हम बिंदी भी चिपकाते हैं, और जैसे इयररिंग्स वगैरह भी हैं तो थोड़ा सा पेस्ट कर देते हैं ताकि वो थोड़ा लूज ना हो इनको। okay. मैं दूसरा इयररिंग बना लेती हूँ, इनको बिंदी बना दूंगी। जनरली क्या होता है कि इनके साइज के, जैसे हमारे वाले छोटे से हैं, तो हर साइज के इयररिंग्स, ये सब सामान, ड्रेसेस सब नंबर से आती है इनकी, तो वो ईजी रहता है कि उन्हीं के साइज की होती है। अब जैसे हम बिंदी लगाएंगे, तो बिंदी के पीछे ही लगा देंगे, उसके बाद हम इनके माथे पे ऐसी बिंदी लगा देंगे और पगड़ी पहनाएंगे। तो पगड़ी के लिए पहले हम बाल लगाएंगे इनको, उसके ऊपर थोड़ी देर में ये ना बिल्कुल पगड़ी एकदम एडजस्ट हो जाएगी इनको। हाँ अभी वो पहली बार पहने हैं ना कोरे कपड़े,
अब क्या रहेगा, मोरपंख। तो फाइनली हमारे कान्हा जी तैयार हो गए हैं। नहीं ओके, अभी तो बांसुरी मुरली रह गई। तो मुरली अगर इसी एंड में लगेगी ना, नहीं इसमें जगह छोटे हैं ना, तो देखना पड़ता है कि किधर है किधर है। यहाँ पे हैंड में ये दी, ये ऐसे हैंड में मुरली देते हैं। और ये कान्हा जी के देखो कपड़े भी हो गए हैं, कान्हा जी की मुरली, हाथ में बाजू बंद भी आ गए हैं, और उनकी माला, और उनके ये पगड़ी, मोरपंख, उनके बाल। तो आप हमें बताइए कि हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं? बहुत सुंदर। हाँ। तो इनको पहले आसन पर बैठाएंगे यहीं पे ना, यहाँ पे खिला देते हैं। हाँ। और फिर मैं इनको टोकरी में बिठा दूंगा। तो अब हम कान्हा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। तो युवान भोग लगाया, बहुत एक्साइटेड है। चलो स्टार्ट करते हैं, भोग लगाते हैं। चलो कान्हा जी को हम खिलाएंगे यमी यमी खीर। थोड़ी सी और खाओ। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने खीर खा ली। ये उनका पेट फुल हो गया। कितने फूल खाई? बहुत सारी खाई कान्हा जी ने। अब इनको हम इनकी टोकरी में बिठा देते हैं। तो कान्हा जी की अब टोकरी आ गई है, हम कान्हा जी को टोकरी में बैठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी पालना नहीं है, अभी हम इनके एक्चुअल बहुत सारा सामान हमें लाना है। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए। अभी रुको, ये हमने बकेट में बैठा दिए, अब हम खेलेंगे कान्हा जी के साथ गुलाल। आज नंद लाल पे गुलाल बरसत है, हो आज नंद लाल पे गुलाल बरसत है। होली खेल रहे, ओ होली खेल रहे, हाँ हाँ होली खेल रहे, बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। थैंक यू, हैप्पी होली मेरे बच्चा। हैप्पी होली, हमारी होली हो गई लड्डू गोपाल जी के साथ। तो अभी हमने सेलिब्रेशन कर लिया, और अभी जो हमने होली खेली है ये बस एक कान्हा जी के साथ हमने फर्स्ट होली खेली है। मेन होली हम खेले हैं कल, और कल हम जाके बताएंगे किस तरीके से हमें सेलिब्रेशन करना है। अब आज का डे हम चालू करते हैं, और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था, और देखो हमने पूरे घर का तहस नहस कर दिया, क्योंकि हम पूरा सामान इसके ऊपर रखे रखते हैं, यहाँ से सारा सामान हटा के यहाँ रखा है। अब हम सारा सामान वापस यहाँ रखेंगे और खाना खाएंगे, क्योंकि कान्हा जी को हमने वापस मंदिर में स्थापित कर दिया है, और अब हम यहाँ से इसको वाइंड अप करते हैं और खाना खाते हैं। अगर देखो ये आपको लड्डू गोपाल जी की चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर इस तरीके की डिवोशनल वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, लास्ट वीडियो मैंने जागरण की डाली थी, उस पर भी आपका बहुत प्यार मिला मुझे बहुत लोगों से, तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज कमेंट करो सेक्शन में कि ऐसी वीडियो और बनाई जाए, और उसी के लिए राधे राधे टाइप करो, जय श्री कृष्ण टाइप करो। तो आज के दिन देखते हैं और हम क्या करते हैं। वैसे ज्यादा हमारा कुछ होगा नहीं, नॉर्मल टाइम होता है, और मैं मोस्टली टाइम रेस्ट करता रहता हूँ। अगर और कुछ होगा तो इस वीडियो को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, ज्यादा बड़ी वीडियो को करने की कोशिश नहीं करेंगे। लड्डू गोपाल जी के बारे में अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वो भी हम आपको डिटेल दे देंगे। हम पे जितना हो पाता है हम इंडिया से सामान लेके आ जाते हैं या मंगा लेते हैं, और लड्डू गोपाल जी के सब कुछ अरेंज करते रहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज आते हैं मेरे वीडियोस पे पर सब्सक्राइब नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ आने वाली वीडियोस भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तो ये होली थी,
होली के वजह से मैंने ये वीडियो बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है, डाली है। बट हाँ, जो यहाँ का एक एक्सपीरियंस है मेडिकल से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी आपके लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि किस तरीके का जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल सिस्टम है, और वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगली दो तीन वीडियो के बाद एक जो वीडियो आएगी उसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। पहले तो अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा कि मुझे प्रॉब्लम क्या थी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ का मेडिकल सिस्टम काम कैसे करता है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। यू और परेशान होता रहता है। चलो बाय।